संक्रमण की चेन को भी ब्रेक किया जा सके। यूपी के मथुरा से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां जमीन के विवाद में दो गुट आपस में भिड़ गए। बताया गया कि एक पक्ष के लोग जमीन को जोतने वहां पहुंचे, जिसकी जानकारी मिलते ही दूसरे पक्ष के लोग पहुंचे। देखते ही देखते दोनों गुटों के बीच झड़प शुरू हो गई। इसी बीच वहां गोली चलने की भी आवाज आई। गोली चलते ही वहां हड़कंप मच गया, लोग इधर उधर भागने लगे। इसी बीच पुलिस भी वहां पहुंच गई। पुलिस के पहुंचते ही दोनों गुट पीछे हटे। बाद में पुलिस ने दोनों तरफ के लोगों की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया। म्यांमार में सेना की तानाशाही पर भड़के लोगों का गुस्सा दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के संगठन आसियान पर फूट पड़ा। ये विरोध प्रदर्शन ऐसे वक्त में हुआ जब म्यांमार की नेता आंग सान सू ची के खिलाफ बिना लाइसेंस वाले वॉकी टॉकी रखने और कोरोना पाबंदियों के उल्लंघन जैसे सेना के आरोपों का मुकदमा शुरू ही हुआ, जिससे नाराज प्रदर्शनकारियों ने अपना गुस्सा आसियान पर निकाला और उसका झंडा फूंक दिया। इसके बाद प्रदर्शनकारी गली कूचों से मार्च निकालते हुए तेजी से आगे बढ़े। उन्होंने फरवरी से नजरबंद आंग सान सू ची की पार्टी का झंडा थामकर लोकतांत्रिक सरकार बहाल करने की मांग दोहराई और सेना के शासन के खिलाफ जोर शोर से नारेबाजी की। भरे ट्रैफिक के बीच भी प्रदर्शनकारी बिना रुके आगे बढ़ते रहे। असल में आसियान म्यांमार के संकट को सुलझाने में जुटा है, लेकिन उसकी कोशिशों का असर जमीन पर नजर नहीं आ रहा। इसलिए प्रदर्शनकारियों ने आसियान की कोशिशों पर ही सवाल उठा दिए। राजस्थान के पोखरण से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां पानी के एक टैंक में कुछ लोगों को दवाइयों की बड़ी खेप मिली, जिसे उस टैंक में एक बोरी में भरकर डाला गया था। जब टैंक से उस बोरे को बाहर निकाला गया तो बड़ी मात्रा में दवाइयां मिली। इसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग को दी गई, जिसके बाद कुछ अधिकारी वहां पहुंचे और उन्होंने जांच में पाया कि उनमें कुछ दवाओं की एक्सपायरी हो चुकी थी, जबकि आधी से ज्यादा दवाएं ठीक मिली। ऐसे में उन अफसरों ने दवाइयों को अपने कब्जे में ले लिया और इस मामले की जांच के लिए एक कमेटी भी बना दी। उत्तर प्रदेश के कासगंज से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां चलती कारों पर कुछ लड़कों ने जान जोखिम में डालकर कई स्टंट किए। इस वीडियो के वायरल होते ही इलाके में हड़कंप मच गया, क्योंकि इस खतरनाक स्टंट के दौरान किसी की भी जान पर बना सकती थी। वहां से सामने आई तस्वीरों में कुछ लड़के हाईवे पर चलती हुई तीन कारों में सवार दिखे। इनमें एक कार की खिड़कियों से तीन लड़के अपने शरीर का आधे से ज्यादा हिस्सा बाहर निकाले नजर आए, जबकि एक लड़का उसकी छत पर खड़ा दिखाई दिया। हालांकि गाड़ी की तेज रफ्तार की वजह से वो ज्यादा देर तक खड़ा नहीं रह सका और वो वहीं बैठ गया। इस बीच कार की खिड़कियों पर लटके दो लड़कों ने जान जोखिम में डालकर सेल्फी ली और फिर उन्होंने इस स्टंटबाजी का वीडियो बनाया, जिसे बाद में सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। तेलंगाना में सरकार के एक फैसले के बाद विपक्षी दलों ने हमले तेज कर दिए। वहां कोरोना संकट और राज्य सरकार पर हजारों करोड़ की कर्ज के बाद भी 32 आईएएस अधिकारियों के लिए लाखों रुपए कीमत की लग्जरी गाड़ियों को खरीदा गया, जिसकी जानकारी मिलते ही विपक्षी दलों ने सरकार को घेर लिया। 40,000 करोड़ रुपए का कर्ज, फिर भी बट रहे हैं तोहफे। ये चौंकाने वाली खबर तेलंगाना से आई है, जहां की सरकार ने कर्जे में डूबे राज्य को उबारने की बजाय अपने 32 आईएएस अधिकारियों के लिए महंगे दाम की लग्जरी गाड़ियां खरीदी हैं। ये खबर सामने आते ही विपक्षी दल तेलंगाना सरकार पर हमलावर हो गए। बीजेपी ने इसे जहां जनता के पैसे की बर्बादी बताया, वहीं कांग्रेस ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए। करोड़ों के कर्ज के बोझ और कोरोना की मुसीबत के बावजूद तेलंगाना के 32 अतिरिक्त कलेक्टरों की चांदी हो गई, क्योंकि सरकार की तरफ से उनके लिए करोड़ों की गाड़ियां खरीदी गईं। लेकिन इन गाड़ियों ने राज्य के सियासी गलियारों में हड़कंप मचा दिया है, क्योंकि ये गाड़ियां कोई आम गाड़ियां नहीं है, बल्कि एक जानी मानी कंपनी के सबसे मशहूर ब्रांड की गाड़ियां हैं, जिनकी कीमत 25 से 30 लाख बताई जा रही है। दावा किया गया कि इन गाड़ियों को खरीदने में सरकार को कुल 11 करोड़ रुपए का खर्च उठाना पड़ा है। कहते हैं कि कोई भी फैसला लेने से पहले वक्त और हालात पर खास ध्यान देना चाहिए, और सियासत में तो वक्त की नजाकत देखकर ही बड़े फैसले लिए जाते हैं। लेकिन तेलंगाना की सरकार ने कोरोना काल में जिस तरह से करोड़ों रुपए खर्च करके अपने अधिकारियों के लिए लग्जरी गाड़ियां खरीदी, उससे विपक्ष का हमलावर होना लाजमी था। अब सरकार पर फिजूल खर्ची का आरोप लगाकर पहले से ही आर्थिक बदहाली से जूझ रही राज्य सरकार के खिलाफ विपक्षी दलों ने मोर्चा खोल दिया है। सरकार पर हमला करने का मौका सबसे पहले बीजेपी ने हासिल किया और उन्होंने मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव को घेरते हुए ऐसे नौकरशाहों को खुश करने का सियासी स्टंट ठहरा दिया। बीजेपी डिनाउंसेस द डिसीजन टेकन बाय सीएम केसीआर टू बाय 32 अल्ट्रा लग्जरी व्हीकल्स।
Kia Carnivals and present them to the additional collectors of the state. उधर कांग्रेस ने भी आरोप लगाया कि सरकार को इन पैसों को कोरोना के संकट के बीच लोगों के लिए अस्पतालों में बेड और इलाज के लिए जरूरी सुविधाएं देने के लिए खर्च करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। जेब में पैसे नहीं है, सरकार के पास पैसे नहीं है और आप जमीन बेचना चाहते हैं, ऐसे वक्त भी नया नया गाड़ी देके क्या सोच रहे हैं आपका समझ में नहीं आता। एक तरफ कोरोना में इतने लोग परेशान रहने के बावजूद भी उन लोगों के लिए कोई देखभाल नहीं है, कोई पैसा खर्च करके वैक्सीनेशन डालने के तक सोच रही है। कहते हैं कि कर्ज लेकर घी नहीं पिया जाता, लेकिन तेलंगाना में ऐसा ही हो रहा है। अब विपक्षी दल सरकार पर आर्थिक बदहाली के दौर में करोड़ों रुपया खर्च करके लग्जरी गाड़ियां खरीदने के मुद्दे पर सरकार को घेर रही हैं, तो सरकार चुप है। बावजूद इसके सूबे का सियासी तापमान बढ़ता जा रहा है। आर्थिक बदहाली और कोरोना काल में सरकार अपने अफसरों को लग्जरी गाड़ियों का सफर तो करवाना चाहती थी, लेकिन इस सफर के शुरू होने से पहले ही उसमें रुकावट पैदा हो रही है।